जय बोलो देवादि देव एक हजार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज एक श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री हरा सागर जी महाराज की जय जय जय। नमो सूर्यदेव नमो सूर्य। हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ मिला है। बहुत कम लोग हैं जो अपनी उपलब्धियों का सही आकलन करते हैं। अगर देखा जाए तो संसार के हर प्राणी के साथ इतना कुछ है जो उसके जीवन के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद प्रायः लोग उनका सही मूल्यांकन नहीं कर पाते और अपना रोना रोते रहते हैं। संत कहते हैं जिंदगी जीने के लिए है, रोना रोने के लिए नहीं। जीवन मिला है जियो, जीवन का रस लो। रोना रोना कतई उचित नहीं है। रोने के साथ तो तुम अपना जीवन का सुख ही खो दोगे, रोने में खोना है। तो जीवन का रस लो और जो चीज़ें तुम्हें हासिल हुई है उसका सही मूल्यांकन करो। आज चार सवाल आप सबके सामने रखता हूँ। ये ऐसे सवाल हैं जो हर मनुष्य को नित्य अपने मन से पूछना चाहिए और उसका समाधान अपने भीतर ढूंढना चाहिए। सबसे पहला सवाल, क्या मिला? बोलो क्या मिला? तुम्हारे जीवन में तुम्हें क्या क्या मिला, हिसाब लगा। अभी बोलेंगे तो तुम लोग ये गिना दोगे क्या नहीं मिला, पर क्या मिला इसको गिनो। क्या मिला मैं गिनाऊं? हाँ? अच्छा शरीर मिला, मिला। अच्छे माँ बाप मिले, मिला। अच्छी बुद्धि मिली, मिली। अच्छे संस्कार मिले, मिला। अच्छा परिवार मिला, मिला। धन संपन्नता मिली, मिला। बोलो सब प्लस प्लस है ना, कितने माला माल हो। गुरुओं का समागम मिला, मिला ना? क्या मिला, क्या मिला? सब कुछ मिला, फिर रोते क्यों? क्यों अपने जीवन में स्वयं को अभावग्रस्त महसूस करना, दीनहीन बन जाना मनुष्य की बहुत बड़ी नादानी है। अभी जिन चीज़ों को मैंने गिना है बहुत स्थूल है, सूक्ष्मता से जाओ तो लंबी लाइन लग सकती है। ये सब तुम्हें प्राप्त हुआ संसार में, अगर देखो तो बहुत तेरे प्राणी ऐसे मिलेंगे जिनमें इन सब बातों का अभाव है या तुमसे बहुत कमतर हैं। आज जब तुम अपने शरीर को देखो, तुम्हारी आयु अच्छी है और तुम्हारा शरीर स्वस्थ है। अपने स्वस्थ शरीर को देखो और कभी उस व्यक्ति को देखो जो बीमार है, लाचार है, अपंग है, अपाहिज है, और उसे देखकर थोड़ी देर के लिए सोचो कि यदि इसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। सड़क चलते तुम्हें ऐसे दीनहीन भिखारी दिखते हैं कि नहीं दिखते? तुम्हें मूक बधिर दिखाई पड़ते हैं कि नहीं दिखते? तुम्हें अनेक दिव्यांग दिखते हैं कि नहीं दिखते? अनेक अनेक बेबस और लाचार लोग नजर आते हैं या नहीं आते हैं? और आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब कोरोना ने तो और बहुत कुछ दिखा दिया, और अभी पता नहीं आगे क्या क्या दिखाएगा। देखो प्रकृति तो बहुत कुछ दिखाती है, पर हम देखना कहाँ चाहते हैं।
प्रकृति बहुत कुछ दिखाती है, काश हम उसे देख सकें। हमारी दृष्टि ही फूटी हुई है, हम क्या करें। रोशन हुए चिराग तो आंखें नहीं रही, रोशन हुए चिराग तो आंखें नहीं रही, अंधों को रोशनी का गिला और भी खराब। ये बड़ी दुर्दशा हमने अपनी बना रखी है। सच्चे अर्थों में प्रकृति हमें संसार का खुला चित्र दर्शाती है, पर हम देखना कहाँ चाहते हैं। वो जीवन के यथार्थ का बोध कराती है, पर हम वो बोध पाना कहाँ चाहते हैं। क्या मिला सोचो, आज तुम शरीर से स्वस्थ हो, है ना, बिल्कुल फिट। काश अनफिट होते तो। उनकी परेशानी को पूछो जो शरीर से लाचार हैं, वो बेचारे कहते हैं अरे क्या बताऊं, मेरा भाग ही फूटा है। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। तो आज निरोगियों की संख्या ज्यादा है कि रोगियों की? निरोगियों की संख्या है, पर शरीर से निरोगी होकर के भी मन से बीमार लोगों की भरमार है। शरीर से तो स्वस्थ है, मन से बीमार है। क्यों? क्योंकि उनका नजरिया ठीक नहीं है। हमारा शरीर स्वस्थ है यानी हम अपने जीवन में काफी अच्छे हैं, हमने ऊंचाई पाई। दूसरी बात, अच्छी बुद्धि है। आज अपने जीवन के विषय में सब प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम हो, पूरी तरह से सूझबूझ से संपन्न हो, जो चाहिए सो करने में समर्थ हो, और अपनी भावों को अभिव्यक्ति देने में भी समर्थ हो। सड़क चलते अनेक मंद बुद्धि लोग दिखाई पड़ते हैं, होते हैं। शरीर तो बढ़ रहा है, दिमाग जहाँ का तहाँ। कई बार मैं मंद बुद्धि बच्चों के विद्यालयों में गया, वहाँ देखा क्या है, इंसान है पर जानवरों से भी बदतर हालत, जिन्हें अपने खुद की भी ठीक तरीके से शुद्ध बुद्ध नहीं। थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर मैं इस तरीके के मंद बुद्धि व्यक्तियों की श्रेणी में होता तो मेरा क्या होता, कल्पना कर सकते हो। एक पल को थोड़ा मुड़कर देखो, है भाग्यशाली। चलो, स्वस्थ शरीर अच्छी बुद्धि, फिर संस्कार मिले। तुम एक आचार्य विचार संपन्न मनुष्य हो, अगर तुम्हारे जीवन में अच्छे संस्कार नहीं होते, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए होते, तुम्हारा ठीक ढंग से पालन पोषण नहीं किया होता, पैदा करके म्युनिसिपैलिटी के जिम्मे छोड़ दिया होता, तो क्या होता, लुच्चा लफंगा आवारा और अपराधी बनकर के फिरते, और क्या होता। सड़क पे बहुत ऐसे लोग घूमते दिखते हैं जिन्हें लुच्चा और लफंगा कहा जाता है, जिन्हें आवारा और अपराधी के नाम से जाना जाता है, और जो अपने अपराध जन कृत्य के कारण जेल के शिक्षों में भी बंद रहते हैं। हैं, अपने आप को पूछो, वैसा तो मैं नहीं हूं ना। हो भाग्यशाली, बोलो, हो ना, महाभाग्यशाली हो, है ना। और आगे, अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छे संस्कार, अच्छा परिवार। आप लोग कभी जाओ निचली बस्तियों में, शाम के टाइम में देखो, शाम को क्या, सुबह भी देखो। मैं जब उदयपुर की तरफ जा रहा था तो कुछ बस्तियां ऐसी पड़ी, सुबह भी कुछ बस्तियों से सुबह निकलता तो वहाँ लड़ाइयाँ चलती, वो बंजारों की बस्ती थी, भयंकर लड़ाई, और शाम के टाइम में भी देखे तो फिर लड़ाई, चित्तौड़ के आसपास की बात है। मेरी नज़र जब उधर पड़ी, बोले क्या ही लोग, जिंदगी आपस में लड़ रहे हैं जबरदस्ती,
बोले महाराज इनकी रोज की आदत है, इनका दिन लड़ने ही में बीतता है। हमने कहा ये क्या जीवन, हमने सुना है नरकों में नारकी लोग आपस की पूरी आयु मार काट में बिताते हैं, हमने सोचा शायद उसी का टेलर है ये। तुम इस अर्थ में कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे लोगों की आपसी समझ सलामत है, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं, मार काट नहीं, दारू पिए और शुरू चीखा चिल्ली शुरू, मार पीट शुरू, ये जिंदगी एकदम नरक। तुम्हारे साथ ऐसा तो नहीं है, और जिनका है उनका कष्ट देखो। मैं ऐसे बहुत सारे परिवारों को जानता हूं जिनका आपस में क्लेश है, लड़ाई झगड़े नहीं पर मन मुटाव इतना कि एक दूसरे से बातचीत ही नहीं, सास बहू की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती, पिता पुत्र की नहीं बनती, पति पत्नी की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, है ना? क्या होता, बनती नहीं ठनती है। क्या होता है, ठनती है। तुम इस अर्थ में तो भाग्यशाली हो कि मुझे इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। है क्या हाँ? समस्या हो तो उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अब बताओ, अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा संस्कार, अच्छा परिवार, धन संपन्नता, आज तुम्हारे जेब हमेशा भरी रहती है, तुम्हें तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता, और न केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपितु कईयों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में भी तुम सक्षम महसूस करते हो। ओ, इतना सब कुछ, भाग्यशाली हो। सड़क चलो देखो, बहुत लोग मांग के देव बाबू देव बाबू देव बाबू करते रहते हैं, भिखारी सा जीवन, और जो भिखारी नहीं भी बने हैं उनका दीनहीन जीवन। सुबह मिल गया तो शाम का ठिकाना नहीं, शाम को मिला तो सवेरे का ठिकाना नहीं, न खाने को अन्न, पहनने को वस्त्र, न रहने को छत, कुछ भी नहीं, न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है, कोई ठिकाना नहीं। पर तुम्हारे साथ ये सब बातें पूरी तरह से सलामत है ना? भाग्यशाली हो कि नहीं? हाँ, सुबह से उठो ना, आंखें खोलो, प्रकृति को, प्रभु को, परमात्मा को, गुरु को, माँ बाप को इस बात का धन्यवाद दो कि आपकी कृपा से इस संसार का सबसे मालामाल इंसान मैं हूँ। कभी समझ में आता है? जितनी चीजें तुम्हें मिली है वह सब की सब असाधारण है, इनका सही मूल्यांकन करो, रोज करो। समझ गए? तो क्या मिला? ठीक है, अब क्या मिला, कैसे मिला, कैसे मिला ये सब? किसी की कृपा से, हाँ, किसी की कृपा से, ये दूसरा सवाल। अभी तो तुम लोगों ने आकलन कर दिया, अरे महाराज बात आपने तो वाकई में एहसास करा दिया, मैं सबसे अमीर हूं, भगवान करे तू हमेशा अमीर बने रहो, तुम्हारी अमीरी कायम रहे। मालूम अमीरी तुम्हारे पास है पर तुम्हें गरीब बनते देर नहीं लगेगी। अमीर गरीब कब बनता है पता है? हाँ, अमीर गरीब कब बन जाता है पता है? जब उसे दूसरों की अमीरी दिखने लगती है। क्या बोला? दूसरों की अमीरी दिखने लगेगी तुम गरीब बन जाओगे।
अपनी आप को देखो, तुम सा सहनसा इस संसार में कोई दूसरा नहीं मिलेगा। इस वाक्य को एकदम आत्मसात कर लो, जिस पल तुम्हें दूसरों की अमीरी दिखने लगेगी, तुम्हारी गरीबी आ जाएगी। प्रकृति ने तुम्हें तो माला माल बनाकर भेजा है, तुम अमीर हो गरीब नहीं। गरीबी तो तुम खुद पैदा करते हो, मन की चाहत ही मनुष्य को गरीब बनाती है। मन की चाहत ही मनुष्य को गरीब बनाती है। जिस पल यह चाहत समाप्त होगी, जीवन निहाल हो जाएगा। तो क्या हुआ, अमीरी जीवन में घटे कैसे? मिला किसी की कृपा से? नहीं, किसे मिला? अपने जीवन के जन्मों के सुकृत से मिला, पुण्य के योग से मिला। कुछ अच्छा किया इसलिए आज मुझे ये सारी फैसिलिटीज मिली है। आज मुझे भले उसका एहसास नहीं है, मैं ये सब उपलब्धियों को पाने के पीछे कितना मूल्य चुकाया हूं, इसका एहसास मुझे ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, उपलब्धियां बिना मूल्य चुकाए नहीं मिलती। सबने मोटा मूल्य चुकाया है, अपने आप को तपाना पड़ा है, खपाना पड़ा है, तब कहीं जाकर ये सब हासिल हुआ है। यूं ही नहीं, एक राजा था, हाथी पर चल करके जा रहा था, उसकी सवारी निकली, हाथी पर चला, फिर उसके बाद किले पर चढ़ना था, पहाड़ी नुमा किले थे, तो हाथी नीचे रुक गया, चढ़ाई खड़ी थी, घोड़ा आ गया, घोड़े पर सवार हो गया, फिर घोड़े पर चल करके, उसका किला बड़ा सुरक्षित था, तो अंदर सकरी तंग गलियाँ आई, तो घोड़े से उतर गया, और घोड़े से उतर करके उसके लिए पालकी आई, वो पालकी पर सवार हो गया। पालकी पर सवार हुआ, पालकी से जाने लगा, राज सिंहासन पर जाके बैठ गया। पालकी से गया, उसके बाद राज सिंहासन पर बैठा। राज सिंहासन पर बैठते ही दो सगदाशियाँ आई और उनके पैर दबाने लगे। ये सारा माजरा दो सखियाँ देख रही थी, और एक ने दूसरे से कहा, हाथी चढ़ घोड़े चढ़े बैठ पालकी माई, हाथी चढ़ घोड़े चढ़े बैठ पालकी माही, कब के थाके हे सखी जो अबे दबावत पाए। मैं क्या देख रही हूं, पहले तो हाथी पे चढ़े, फिर घोड़ा पर चढ़े, फिर पालकी पे बैठे, और अब पांव दबवा रहे, थके कब जो पैर दबवा रहे हैं। हाथी चढ़ घोड़ा चढ़े बैठ पालकी माई, और कब के थाके है सखी अबे दबावत पाए। तो उसकी सखी ने उससे कहा, उस उत्तर में जीवन का सार समाया है, तुझे पता नहीं, इनको मैं जानती हूं, इस जन्म से नहीं पिछले जन्म से जानती हूं। बोले क्या हुआ? बोले ये बड़ा महान था, इसने बड़ी तपस्वी का रूप धारण किया, महान तप किया। बोले क्या किया? भू सूत्यो भूखो मर्यो कीनो उग्र विहार, पिछले जन्म में मुनि बनकर धरती पर सोए और खूब व्रत उपवास किया, उग्र विहार किया। भू सूत्यो भूखो मर्यो कीनो उग्र विहार, और तप के था कि हे सखी अबे दवावत पाऊं। समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छा किया है इसलिए अच्छे परिणाम तुम्हें मिले हैं, इसमें कोई संशय नहीं।
परम पुण्य के योग से ही ये सारे सुयोग मिले हैं। तो कैसे मिला, बोलो कैसे मिला, किसने दिया? पुण्य ने दिया ना। ये सारी उपलब्धियां किसकी है? पुण्य की है। तो पुण्य की धरोहर को कहां लगाओगे? तीसरा प्रश्न, क्यों मिला, किस लिए मिला, क्या मिला, कैसे मिला, किस लिए मिला, बोलो किस लिए मिला? ये सब आकलन तो कर लिए, कैसे मिला ये पता, क्यों मिला ये भी पता, क्या मिला ये पता, किस लिए मिला, क्यों मिला, इसका मकसद क्या, इसका उद्देश्य क्या। खूब मौज मस्ती करो, भोग करो, हाँ, अच्छे काम के लिए मिला। तो भाई साहब 24 घंटे में हिसाब लगाइए, कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, अच्छे काम या बुरे काम, बोलो। यही समझने की बात है, क्यों मिला, किस लिए मिला, ये सवाल अपने मन में उठाओ और अपने मन को जगाओ। अरे मैं उद्देश्य से विमुख तो नहीं हो रहा हूं, कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहा हूं, अगर ऐसा मैं करूंगा तो मेरा पतन अवश्यंभावी है, मुझे कोई बचा नहीं सकता। जीवन में बदलाव आना चाहिए, जिस उद्देश्य से मुझे ये सब चीजें मिली है, मैं उस उद्देश्य की पूर्ति में लगा हूं कि नहीं। ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला, कल मैंने अर्थ से परमार्थ की बात की थी, किस लिए मिला, योग अच्छे मिले हैं, प्रयोग क्या हो रहा है, किस लिए मिला, ये सवाल अपने मन से पूछो। और जिसके लिए मिला वो करो तो ठीक, और नहीं तो फिर गड़बड़ तो होना ही है। देखो जेल में कैदी होते हैं ना बहुत सारे, तो कुछ कैदियों को किसी खास प्रयोजनवश पेरोल पर छोड़ा जाता है, क्यों एसडीएम साहब ऐसा होता है ना, हाँ पेरोल पर छोड़ा जाता है। अब खास मकसद से पेरोल पर छोड़ा गया और सामने वाला उस मकसद को भुला करके दूसरे काम में लग गया तो क्या करते हैं उसको, फिर पकड़ करके जेल में ठूसते हैं ना, और दोबारा फिर कोई गुंजाइश रहती क्या, उसका पूरा सीआर बिगड़ जाता है। तुम भी पेरोल पे आए हो, गड़बड़ करोगे तो रसातल में जाओगे। किस लिए मिला, बस इनका सदुपयोग करो। अच्छा शरीर मिला तो, अच्छा शरीर मिला तो जनता की सेवा करो, प्राणियों की सेवा करो, त्याग करो, तपस्या करो। अच्छी बुद्धि मिले तो इसका प्रयोग निज पर के हित में करो। अच्छे संस्कार मिले जीवन को निखार लो। अच्छा परिवार मिला तो परिवार में प्रेम प्रगटाओ। धन संपन्नता मिली तो दान में लगाओ। भोगों में मग्न मत हो, जीवन की असली संपत्ति को समझो। जिसके निमित्त से मिला है उसकी वृद्धि करो। किसके निमित्त से मिला, पुण्य के निमित्त से मिला तो पुण्य की वृद्धि करो। मैं एक ही वाक्य कहता हूं, जितना अर्जित लेकर आए हो उससे ज्यादा संचित करके जाओ। क्या, जितना अर्जित लेकर आए उससे ज्यादा संचित होना चाहिए। अपना हिसाब किताब देख लो, बैलेंस शीट चेक कर लो, क्या निकलेगा, बैलेंस शीट नेगेटिव तो नहीं हो रही, माइनस में तो नहीं जा रही है, देखना है। ले करके तो तुम बहुत आए हो, मैंने हिसाब तो लगा दिया क्या क्या मिला, अर्जित तो बहुत है, संचित क्या कर रहे हो, उसको भोग रहे हो कि बढ़ा रहे हो, बोलो। भोगोगे तो डूबोगे, अब बढ़ाओगे तो तरोगे। तय तुम्हें करना है कि मुझे क्या करना है।
क्या कर रहे हैं। कोशिश कीजिए अपने प्रवृत्ति को ठीक करने की। पाप बुद्धि से बचिए, पाप रुचि से बचिए, पाप क्रिया से बचिए, पाप प्रवृत्ति से बचिए, तभी काम होगा। इन सारे सुयोगों को अच्छे कार्य में लगाने का भाव रखिए। हर पल अच्छा करने की कोशिश कीजिए, जितना बन सके अच्छा कीजिए, तो वो हमारे जीवन की सही उपलब्धि होगी। लेकिन लोग भूल जाते हैं, अपने जीवन का मूलभूत प्रयोजन ही उनको स्मरण में नहीं रहता। और जब पूरी जिंदगी खींच तान कर पूरी कर देते हैं, आखिरी में सोचते हाय मैं कुछ कर न सका। अरे भाई अब क्या, जब करने का अवसर था तो किए नहीं, और अब सिर धुन रहे हो तो सिर धुनो, और क्या होगा। अवसर पर जो नहीं करता उसे पूरी जिंदगी सिर धुनने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो जो अर्जित लेकर आए हो उससे ज्यादा संचित करके जाओ। तुम लोग तो व्यापारी हो, बोलो जितना इन्वेस्टमेंट करते हो उससे ज्यादा आउटपुट निकालना चाहते हो कि नहीं। इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा है, रिटर्न कम है, कहते धंधा घाटे का है कि नहीं है। तो देख लो तुम घाटे का सौदा कर रहे हो या लाभ का सौदा, बोलो कौन सा सौदा है, घाटे का या लाभ का। और देखो किसी की कमाई 54 हो और खर्चा 10 रुपया हो और उस पर कर्जा 100 रुपया हो, उसका क्या होगा। 100 रुपये की का कर्जा, 10 रुपये का खर्चा और 54 की कमाई, क्या होगा। दिवाला पिटेगा और क्या होगा, यही होगा ना। हाँ अब देखो तुम क्या कर रहे हो, दिवाला तो नहीं पिटवा रहे हो अपना। जन्म जन्मांतरों से तो यही होता रहा है, अपना दिवाला पिटवाते रहे। काश आज अपने जीवन की वास्तविकता को समझो तो अपनी दिशा बदलो। पुण्य से प्राप्त संयोगों का पुण्य में ही प्रयोग करो, पाप में नहीं, अन्यथा जीवन विनष्ट हो जाएगा, बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, राम लाल से पैसा लो और श्याम लाल को दे दो। दोबारा रामलाल के पास जाओगे तो रामलाल कुछ देगा क्या, बोलो। आप लोग क्या करते, रामलाल का पैसा रामलाल को चुकाते हो कि श्यामलाल को, बोलो। बोले महाराज हम लोग तो बहुत आगे के, हम न रामलाल को देते न श्यामलाल को। एक ने कहा आज तक जिसका लिया चुकाया नहीं, तुम्हारा क्या खाके भाग जाऊंगा। आज तक जिसका लिया चुकाया नहीं, तुम्हारा क्या खाके भाग जाऊंगा, ये तो हाल है तुम्हारे। लेकिन बंधुओं दुनिया में तुम धूल, दुनिया की आंखों में तुम धूल झोंक सकते हो, पर कुदरत की आंखों में धूल नहीं झोंका जा सकता। तुमने राम लाल का पैसा अगर श्याम लाल को दिया तो दोबारा राम लाल का वास्ता, दरवाजा तुम्हारे लिए बंद रहेगा, कभी नहीं खुलेगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, पुण्य के योग से प्राप्त संयोगों का प्रयोग पुण्य के लिए करो। रामलाल से जो मिला उसे रामलाल को ही लौटाओ। पाप में लगाओगे तो रामलाल का पैसा श्यामलाल के अकाउंट में जाएगा, और श्यामलाल के चक्कर में गए तो कंगाल होगे। श्यामलाल बहुत चतुर है, वो खींचना जानता है, देता कुछ नहीं है, आश्वासन देता है। क्या देता है, आश्वासन, लगाओ इन्वेस्ट करो, हम देंगे हम देंगे हम देंगे देंगे देंगे। सारा पूंजी हड़प लेता है और फिर ठेंगा दिखा देता है, अब का है, बन जाओ भिखारी, लो एक हाथ में कटोरा और घूमो। संत कहते हैं जो व्यक्ति धर्म विमुख जीवन जीता है उसे आज नहीं कल भिखारी ही बनना पड़ेगा। एक सज्जन है मेरे संपर्क में, बड़े धनपति, पर बहुत आध्यात्मिक विचारों के और खरा बोलने वाले।
तो उन्होंने अपने ही भाइयों और समधियों के बारे में बोला, बहुत पैसा लेकिन केवल मौज मस्ती में ही लगने वाले, दान धर्म की तो कभी भावना ही नहीं। अपने बच्चों के सामने मुझसे कहा, महाराज मैं तो अपने जीवन का मजा ले रहा हूँ और भावी जीवन के लिए सम्राट बनने के लिए जा रहा हूँ, पर महाराज ये लोग हैं ना, ये सब भिखारी बनने वाले हैं, ये अपने जीवन को भिखारी बनाने वाले हैं, क्योंकि आज भोग रहे हैं अर्जित कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जो केवल खर्चा करे और कमाए नहीं वो कंगाल तो होगा ही होगा। केवल खर्चा करते रहो और कमाओ नहीं तो कंगाल होना है तय है, मानकर चलो। तो भाइयों, खर्चा तो खूब हो गया, कुछ कमाई भी करो, नहीं तो क्या होगा, रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा धोते ही निकल गई, यही कहानी चरितार्थ होगी ना। कुछ भी हासिल नहीं होगा। अच्छा कर्म करो, किस लिए मिला, अच्छा करने के लिए मिला। विनय कुमार पथिक के एक बहुत मधुर गीत गाते थे, कैसे हो भुगतान की हुंडी जाली है, क्यों कर हो कल्याण की करनी काली है। ये बात बहुत समझने की है। तो किस लिए मिला, बोलो, समझ में तो आ गया। मेरा समझते तो सब ही हैं, पर उतनी देर जितनी देर आपके सामने, बाद में तो हम औरों को समझाते, ये तो तुम्हारा हाल है। जीवन की वास्तविक समझ विकसित कीजिए, जीवन की दिशा को बदल लीजिए। ये अवसर बार बार नहीं मिलते, ये सवाल नित्य कीजिए, क्या मिला, कैसे मिला, किस लिए मिला। अब चौथा सवाल थोड़ा हटकर, मेरा क्या, मेरा क्या, ये जो भी मिला है ना, ये किसका है, तुम्हारा है, ये शरीर तुम्हारा, ये संपत्ति तुम्हारी, ये संबंधी तुम्हारे, ये यश प्रतिष्ठा ये सब तुम्हारे, कुछ नहीं, ये जो भी मिला है ना, कर्मों की कृपा से मिला है, ये सब संयोगी भाव है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे नहीं है। मेरा क्या है, बोलो, कुछ है, एक दिन का भी तुम्हारा नहीं है, ये समझ होनी चाहिए। जीवन के इस वास्तविकता को अंदर से स्वीकार करो, मेरा क्या, कुछ भी नहीं है तेरा, दो गज जमी है तेरी, मिल जाए ये भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी। और भैया, जिस परंपरा में अपना जन्म हुआ है उनके लिए तो वो दो गज भी नसीब नहीं होती, उसी दो गज में न जाने कितने निपट गए और आगे निपटेंगे। मेरा क्या, कुछ भी नहीं, मेरा बस मैं हूं। स्वरूप बोध होना चाहिए, ये तो सब मेरी भ्रांत धारणा है कि ये मेरे हैं। एक परमाणु भी मेरा नहीं है। जीवन के इस परम सत्य पर विश्वास करो, मेरा क्या, मेरा बस मैं हूं और कुछ नहीं। पर क्या बताऊं, जो मेरा है उसको मैंने आज तक जाना नहीं, और जो मेरा नहीं है उसी को मेरा मेरा रटते रटते गले लगाया है। कुछ भी मेरा नहीं है, एक परमाणु भी मेरा नहीं है। अहमी को खल शुद्धो धनसन नार मयो सदारूवी नवी अथि मध्य किंच भी अन्नम परमानुमित्तम्पि।
मैं क्या हूँ, एकमात्र शुद्ध आत्मा हूँ जो ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, अरूपी हूँ, मुझसे भिन्न एक परमाणु प्रमाण पदार्थ भी मेरा नहीं है। ये बात हृदयांकित कर लो, अपने जेहन में बिठा लो, तो फिर मोह नहीं होगा। मेरे पास है, संयोगों से है, चलो मोह मत करो, इनका उपयोग करो, उपभोग करो, बात खत्म। केवल जोड़ जोड़ कर रखने के लिए नहीं है, ये तो मुझे आज हासिल हुए, कल रहे न रहे कोई पता नहीं, पर द्रव्य है, इनमें मोह नहीं, इनमें आसक्ति नहीं, इनका अभिमान नहीं। हाँ, अगर बुद्धि अच्छी है तो उपयोग करो, निज पर के हित में उसका उपयोग करो, और हर पल केवल एक ही बात का एहसास रखो, एगो में शाशदो आदा नान दंसन लखना, लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लखना। एकमात्र शाश्वत आत्मा मैं हूँ जो ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूँ, मुझसे भिन्न जितने भी पर पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं, वे मेरे नहीं हैं। बस ये बात रखो, मेरे पास हैं, मेरे नहीं हैं। किसके हैं बोलो, क्या क्या है तुम्हारा, लंबी लाइन लगाओगे, एक भी तुम्हारी नहीं है, सब फर्जी है, बोलो, है ना, तुम्हारी नहीं है। बस इतनी सी समझ अगर अंतर मन में जग गई, जीवन की दिशा बदल जाएगी। पर विडंबना यह है कि मनुष्य सब कुछ समझता, यह समझ में नहीं आती। जीवन के परम सत्य को झुठलाने में ही मनुष्य अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। काश इस सत्य को स्वीकार कर पाते, जिस दिन इसे स्वीकार लोगे जीवन का उद्धार होगा। हमने जन्म जन्म बर्बाद किए, जीवन के परम सत्य को जानने का प्रयास नहीं किया। काश हमारी आंखें खुले और हम जीवन के परम सत्य को समझते हुए अपने जीवन का रास्ता आगे बढ़ाएं, तो हमारा जीवन धन्य होगा। तो आज की चार बातें क्या मिला, कैसे मिला, किस लिए मिला, और कंक्लूजन मेरा क्या, कुछ भी नहीं, बस मैं तो एकाकी हूँ, निष्किंचन हूँ, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा बस मैं हूँ, ये हृदयंगम कर लो, जीवन धन हो जाएगा। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।